और इसी उनतीस तारीख में धातु की जबरदस्त सरजमीन एक बहुत बड़ी तारीफ रचने जा रहा है, जिसमें आने वाली जो टीमें हैं, मैं ये बतलाता चलूं, दिल्ली आर्मी सीआरपी स्टेट कंपनी वाराणसी तरमानी इलाके की सेवा टीमें होंगी, जिस टीम को फाड़ दिया जाएगा फोन के जरिए कहा जाएगा 4 बजे इलाके की तमाम टीमों को पहुंचना है। इलाके की टीमों का भी इंतजाम है खाने का भागों में, जिसकी तरह मोहम्मद नास और मोहम्मद राशि होती है। और 5 तारीख को सोमवार एक बहुत बड़ी तारीफ रचने जा रहा है, तमाम लोग पहुँच कर सोमवार के भी ग्रामीण को कामयाब पाए। 6 तारीख में थरिहा में है, उसमें भी शिरकत करके ग्रामीण को कामयाब पाए। 1 तारीख सिदूरी की जाते सरजमीन पर एक आरयूपी कबड्डी टूर्नामेंट का इनकार किया गया है। 1-0 जनाब शकील की आरमाइश होती हुई दुनिया कबड्डी में कभी अपने फनों की बमबारी करता था, आज इस उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद अपने जज्बे को पूरी तरह से पलन करते हुए और यहाँ पर आवाज और ताकत का मिला जुला प्रहार, कैद खाने में कैद होते हुए सीनियर खिलाड़ी चितारा महमूदपुर जनाब शकील साहब इस वक्त कैद खाने में कैद होते हुए इस स्कोर का आवाज किया है। मऊ ने मऊ पहुंचा है स्कोर 1-1 मऊ 1-1 चितारा जनाब शरफुद्दीन साहब का पहला काला खिलाड़ी अपने वक्त का आज प्रायर प्रैक्टिस के जो 12 महीने साल के प्रैक्टिस करती है उस रीडर को अगर मुक्का बनाते हैं शरफुद्दीन साहब तो हकीकत में उनकी फनकारी पूरी तरह से परवाज पर है। शहाबुद्दीन दुनिया कबड्डी का अजीम शान शहजादा मकामी सोमर शामिल अख्तियार किया है। इस हाथपुर में शहाबुद्दीन साहब बहुत ही नुमाया बहुत ही निराले अंदाज का खिलाड़ी था, सोमर को बुलंदी और कामयाबी दिलाने में शहाबुद्दीन का सबसे अहम किरदार है। गलत जगह है बाबू, गलत जगह है। और एक मऊ बहुत दूर से चलता आई इस वक्त 1-1 पर जद्दोजहद करती हुई, 2 पर है शरफुद्दीन सेना 0-1 पर है मऊ का दस्ता। और जनाब हफीज साहब ऐसा करते हुए दुआ मंगाई है, हरियाणा और भंडारा खुद ग्राउंड में आए जनाब पप्पू साहब पास का हाउस बहुत अहम काम रहा है आपका 10,000 रुपए का।
इस वक्त शाहबुद्दीन साहब मुसलसल दिखाते हुए
जितनी तारीफ की जाए कम है। आखा गलती गलती हफीज साहब एंडर होल करना चाहते थे, उनका एंडर होल मिस हुआ, बाई स्कोर से नवाजा है। रिंदर आप मऊ ने अपनी टीम को इस वक्त इसहाकपुर क्लब चितारा महमूदपुर की नैया पूरी तरह से डूबती हुई और नैया तार लगाते हुए मऊ की इस वक्त प्रदीप और दीपक और उस टीम के तमाम खिलाड़ी कैप्टन हरियाणा और कैप्टन भंडारा होर्ड ग्राउंड में आए। एक बार फिर से शकील साहब का तालियों से इस्तकबाल करें। अपने आप का बहुत ही तेज तर्रार लीडर बुलंदी पर हमेशा शकील साहब का फन रहा है। अपने आप में आज अपनी ही मिट्टी में आज अपने ही होम ग्राउंड पर इस वक्त अपने गांव के बुजुर्गों की निगाह का मरकज करते हुए जनाब शकील साहब और मोहम्मद शरफुद्दीन जनाब शकील साहब और जनाब शरफुद्दीन और जनाब कफील अहमद साहब इसी गांव की मिट्टी में पले और बढ़े और इसी मिट्टी को आज एक बार फिर से इसी मिट्टी में खेलते हुए और चितारा महमूदपुर को सैकड़ों फाइनली उन्हें दिलाया है। अपने वक्त में चितारा महमूदपुर की टीम का नाम बहुत दूर दूर तक इन्होंने जो है पहुंचाया। कबड्डी की दुनिया में जब जब नाम लिया जाएगा तो शकील साहब और शरफुद्दीन साहब, हफीज साहब, शहाबुद्दीन साहब, शरफुद्दीन साहब इन तमाम फनकारों का नाम जरूर शामिल रहेगा। आज मैच भले ही मऊ जीतने की तादाद पर खड़ी है लेकिन दिल जीत लिया है। एक बार फिर से शकील साहब तालियों की तरफ में इस सबको हासिल करते हुए क्या जबरदस्त कैचर है कफील साहब, लेकिन अपने आप को ऑलराउंडर के तौर पर आजमाते हुए जनाब कफील साहब का ये यादगारी लम्हा था, शकील साहब का यादगारी पल था, शरफुद्दीन साहब का यादगारी यादगार भरा ये लम्हा रहा कि आज मऊ जो सीजन के 12 महीने वो ग्राउंड में प्रैक्टिस और टूर्नामेंट खेलती है। एक ऐसी टीम जो बरसों से कबड्डी की दुनिया से दूर रही अचानक कबड्डी के लिबास को पहन कर ग्राउंड में उतर कर अगर इतना अच्छा खेल दिखा दे तो हकीकत में